नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम सच जानने के लिए लोगों के बीच बार पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की, बाबा राम रहीम जी की। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आप कब से जुड़े हो डेरा सच्चा सौदा से? हम जुड़े हुए, मेरे ससुर जुड़े हुए थे, उससे बाद में हम और मेरे बच्चे, तीन पीढ़ी चली गई हमें जुड़े, और ऊपर से बड़े पिताजी, हम तभी से जुड़े हुए हैं। हाँ, और हमें बहुत ही विश्वास है, और नहीं हमने कोई ऐसा कुछ देखा, और हमें इतने विश्वास है कि हमारे बच्चे और क्या बच्चे क्या हमारी सारी संगति इतना प्यार करती है और इतना चाहती है कि जिस दिन से हमारे पिताजी गए हमारे आंसू बंद नहीं है। हमें इतना दुख हुआ इस सरकार पे के साथ हमारे माँ बाप भी मर जाते, दुख हमें जब भी नहीं होता। आपकी इतना आस्था, इतना विश्वास क्यों है? इतना विश्वास ये चाहते हैं, एक तो हमारे बच्चे पीते नहीं, खाते नहीं, पढ़ते लिखते और राम का नाम लेते हैं, और कोई भी उनमें गलत सहबत नहीं पड़ती, और जब से देखो ये बच्चे भूखते मरते, मतलब वो सहबता नहीं रही वो हमें पिताजी से मिलती थी। सभी बच्चे में इतनी वो रहती, सबसे इतने प्यार से, इतनी इज्जत से, इतना घर परिवार में कभी लड़ाई नहीं हुई, और घर ऐसा हो जाता जैसे सुरग, और जिस दिन से पिताजी गए उस दिन सुरग नहीं, हमारा नरक होगा। क्या आपको लगता है कि आज उनकी जरूरत है समाज को? आज जरूरत है समाज को? हाँ, पूरे समाज को नहीं, पूरे देश को जरूरत है पिताजी की। अगर पिताजी इस देश में दोबारा आ गए तो इसमें जो हमारी 10 करोड़ संगत थी वो राम नाम जपती थी नहीं, शराब पीती थी नहीं, भूत पीती नहीं, मरती थी और हाथ जोड़ के अपना टाइम काटती थी, आज वो बेरोजगार हो गई संगत हमारी, शराब पीने लगी या भूत में मरने लगी नहीं, जब अपने राम नाम जप ले रहे, अपने मेहनत से कमा ले रहे। उनकी जरूरत है समाज को, जरूरत है सारी समाज को, जरूरत है राम नाम की, जरूरत है, और जो ये शराब है, जुआ है, इससे मुक्ति पिताजी ही दिला सकते हैं। क्या काम किया उन्होंने समाज के लिए? मैं बहुत भलाई के काम करे, खून दान करा, बस उनकी भलाई के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकती मैं, मैं ऐसी भलाई करी है तो बहुत ज्यादा। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से मेरे हाथ जोड़ के यही अपील है कि हमारे पिताजी को छोड़ दें और जो हमारी जिंदगी उल्टी दे दें। थैंक यू सो मच। और हमारी 7 पीढ़ी की जिंदगी उल्टी दे दें हमारे पिताजी भेज कर। थैंक यू सो मच।